नहीं दोस्तों, गाड़ी ब्रेक डाउन है। अभी देखते हैं गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है। कस्टमर कहना है कि जो है चेक लाइट लग रहा है। अभी गाड़ी ज़्यादा किलोमीटर नहीं चला है, 415 किलोमीटर बोल रहे हैं चली है गाड़ी। देखते हैं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है तो आपको दिखाते हैं। तो अभी अपने लैपटॉप को हम कनेक्ट करेंगे और देखेंगे गाड़ी में क्या फॉल्ट हो रहा है। तो अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, नया सॉफ्टवेयर जो अपन। तो दोस्तों हमने कनेक्ट कर लिया गाड़ी में लैपटॉप। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है दो फॉल्ट कोड एक्टिव में है, एक 245 जो है 5 बार काउंट हुआ है। फैन कंट्रोल सर्किट वोल्टेज ब्लो नॉर्मल और शॉर्ट टू लो सोर्स, तो ये लिख के आ रहा है। और दूसरा जो हमारा फॉल्ट कोड 2412 है, तो इस पर डिलीट कर देते हैं 245 पे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा है लो सिग्नल वोल्टेज रेट एट द फैन कंट्रोल सर्किट फैन कमांड ऑन, यानी इसका कहने का मतलब दोस्तों जब कमांड ऑन हो रहा है तो वोल्टेज जो है सिग्नल जो है लो हो जा रहा है। और नीचे देख लेते हैं इसका डायग्राम दोस्तों है, एक नंबर और दो नंबर पिन का। ये हमारा 44 नंबर और 47 नंबर ECU के पिन से आता है। और नीचे देख लेते हैं सॉफ्ट टॉल्क में क्या क्या कह रहा है। तो सॉफ्ट टॉल्क में हम देखते हैं इधर, तो यहाँ पर लिख के आ रहा है दिस फॉल्ट कोड इज लॉग व्हेन द ECM कमांड, यानी कि जब इसका कमांड दे रहा है तो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट जो है फैन कंट्रोल सोलेनोइड में वोल्टेज सिग्नल जो है ड्रॉप हो रहा है। इसका कहने का मतलब दोस्तों इसका सोलेनोइड में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी हम बाकी का भी फॉल्ट कोड जो हमारा आया 2412 उसका भी चेक कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया, आप पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे जो है रिफ्रेश द ट्रबलशूटिंग फॉल्ट कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाकी भी दिखाएगा, डिस्कनेक्ट द फैन कंट्रोल सोलेनोइड फ्रॉम द OEM वार्निंग हार्नेस, यानी कि जो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है फैन कंट्रोल सोलेनोइड से ये फॉल्ट कोड आने पर। तो अभी हम बाकी फॉल्ट कोड देख लेते हैं 2412 क्या कर रहा है उसमें। तो हमारा जो 2412 आया है फैन स्पीड डाटा इलेक्ट्रिक, तो फैन की स्पीड बताना चाहिए वो नहीं बता रहा। यहाँ पे लिख के द फैन स्पीड सिग्नल हैज़ बीन लॉस्ट, जो फैन की सिग्नल है वो इश्यू तक नहीं पहुँच पा रहा है, वो लॉस्ट हो जा रहा है। इसमें 3 पिन का जो है डायग्राम दिया है, तो फैन में जो 5 वायर रहते हैं तो 2 पिन पहले का है, ये 3 पिन बाद का दिखा रहा है। तो अभी सॉफ्ट वाले इसमें भी देख लेते हैं, तो वेरीफाई द ECM कैलिब्रेशन इज़ करेक्ट, तो हमको ECM भी चेक करना पड़ेगा कैलिब्रेशन का, और हिस्ट्री भी चेक करने के लिए बोल रहा है। तो रिफर द ट्रबल शूटिंग फॉल्ट कोड पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे वही दे रहा है डिस्कनेक्ट द फैन स्पीड सेंसर OEM हार्नेस वार्निंग। तो ये हम फैन के पास चलते हैं और वोल्टेज चेक करेंगे, अब देखते हैं वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। इसका सॉकेट निकालेंगे और देखेंगे निकालो सॉकेट। वोल्टेज चेक करते हैं, कल तो तू गया रीजन ना आज खुला मुक्त भैया बे गए लगेच मस्त नहीं संगे के मारा पक्का जाग में रहे और होते। तो ग्राउंड में आप बोल लेते हैं हट रहा। तो दोस्तों हमारा जो ये बीच वाला एक नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है। तो अभी एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए एक नंबर में पकड़ो, 2 नंबर में पकड़ो, 2 नंबर में हमारा 0 वोल्ट आ रहा है, 3 नंबर में पकड़ो, 3 नंबर में भी हमारा 0 वोल्ट आ रहा है, और 1 नंबर में हमारा जो है 4.7 वोल्ट आ रहा है, और 4 नंबर में 24 वोल्ट आना चाहिए 0 वोल्ट आ रहा है, और 5 नंबर भी हमारा 5 वोल्ट के आसपास आ रहा है। हमारा जो वोल्टेज सही है अभी हम बंद करेंगे वापस देखते 24 वोल्ट आ रहा है। चक्कर देखो यहाँ पे तुम्हारा चाबी बंद करने के बाद यहाँ 24 वोल्ट आ रहा है, और सॉकेट लगाने के बाद जो है 24 वोल्ट गायब हो जा रहा है। सॉकेट लगाओ,
तो इन्होंने सॉकेट लगाया हुआ है, देखो फाल कोड जो हमारा, तो इसे निकाल कर फिर से चेक करते हैं और देखते हैं वोल्टेज जा रहा फिर से आ रहा कहीं। तो यहाँ पर 24 वोल्ट हमारा चला गया है जैसे कि हमने वोल्टेज ग्राउंड दिया है, तुम्हारा वोल्टेज 24 वोल्ट नहीं आ रहा है प्रॉपर, तो हमारा जो फैन है वो शॉर्ट हो गया है। और फिर से देखते हमारा सप्लाई आ रहा कि नहीं, और वापस जो एक बार वापस लगाएंगे फिर। तो अभी हम चाबी को ऑन करते हैं, तो अभी फिर से एक बार वोल्टेज चेक करेंगे और आपकी वहाँ 24 वोल्ट देखो अभी आ जाएगा फिर। ये देख सकते हो 24 वोल्ट सप्लाई हमारा तुरंत चाय बंद करने के बाद आ जा रहा है, और जैसे हम सॉकेट लगा रहे हैं 24 वोल्ट चला जा रहा है। लगाओ सॉकेट एक बार फिर, हमने सॉकेट जैसे लगाया अब फिर से एक बार निकाल दिखाते हैं, लाइट चला निकाल। चेक करो, तो हमने ग्राउंड इधर पकड़ा है, यहाँ देख सकते हो दोस्तों 24 वोल्ट सप्लाई हमारा इसी को कट कर दे रहा है, ये फैन शॉर्ट सर्किट हो शॉर्ट हो गया है, तो इसको फैन जोड़ नया डालना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो ना था वीडियो शूटिंग चाहिए, हम इसको खोल के चेक करते हैं और देखते हैं इसमें हमारा शॉर्ट मिलता कि नहीं। तो यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं है, कहीं भी टूटा नहीं है, तो वायरिंग तो पूरा क्लियर हमारा इधर है। तो एक बार हम ये भी सॉकेट निकाल के, तो अभी हम जो है फैन को खोल लेते हैं, तो हमने वीडियो को फास्ट रखा है ताकि आपको ज़्यादा देखना ना पड़े, तो हम फटाफट फैन को खोल लेते हैं और फैन को बाहर लेंगे। तो हम फैन को जो है इंजन साइड से लेंगे, तो हमारा जो है इस साइड से पूरा नहीं निकल पाएगा फ़ैन, तो हमको आगे से भी खोलना पड़ेगा पूरा, तो हम आगे से पूरा खोल लेंगे। हमारा जो है ऊपर इंजन साइड से विस्कस नहीं निकल रहा था, ये इधर अटक चुका है, तो हमने आगे से पूरा खोल के जो है इसको बाहर ले लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देख सकते दोस्तों ये बस का जो है पुराना वाला फ़ैन है, तो अभी इसका हम नया फैन डालेंगे, इसका विस्कस ख़राब हो गया है। तो अभी नया वाला आपको दिखाते हैं, तो ये हमने नया मंगाया हुआ है, तो अभी ये नया वाला दिखा देते हैं आपको थोड़ा। इसके वायरिंग भी नए दिए हुए हैं, तो हमको जो वायरिंग है उन्हें लगाना पड़ेगा, हमको नया ही वायरिंग डालेंगे, तो ये इसका नया आगे का लुक है। तो अभी हम इसको इंजन में फिट करते हैं, ले चलते हैं। हम फैन का सॉकेट लगा लेते हैं, हमने फैन नया डाल दिया है, तो सॉकेट भी लगा लेते हैं मीटर। सॉकेट नहीं बैठा पा रहे हैं, जरा देख सकते हो दोस्तों, ये मुंह के थवड़ा देखिए, इनका नाम टेक्नो कोवा है, सॉकेट नहीं बैठा।
पा रहे हैं। देखिए एक बार अब दिखाते हैं हमारा वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है तो एक बार निकालते हैं और वापस चेक करके दिखाते हैं। निकालो कपड़ा निकालो। चार नंबर पकड़ो। चल पकड़ो। तो देख सकते दोस्तों, हमने 4 नंबर में पकड़ा है और हमारा 24 वोल्ट ड्रॉप अभी नहीं हो रहा है क्योंकि हम सॉकेट भी लगाए थे तो अभी ड्रॉप नहीं हो रहा। तो अभी लगाओ सॉकेट लगा दो। तो अभी देखते हैं हमारा सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा फलकोड जो है इनएक्टिव में जाता है कि नहीं, और उसके बाद आपको फैन डाटा भी चेक करते हैं। देखते हैं तो उसको हम लगा लेते हैं। तो हमारा फैन का बैठ चुका है। ठीक है, तो अभी अपने सॉफ्टवेयर पर हम आ चुके हैं। तो दोस्तों भी हम पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हमारा फालकोड इनिटी में जाता है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो 245 फालकोड है ये 10 बार काउंट हो गया था, वो इनिटी में जा चुका है। तो अभी जो हम डाटा मॉनिटर में चलेंगे, डाटा लॉगर में, और वहाँ पे हम जो फैन की स्पीड चेक करेंगे और गाड़ी जो है स्टार्ट करके देखेंगे हमारा फैन जो स्पीड है वो शो करता है कि नहीं। तो अभी हम डाटा मॉनिटर में आ चुके हैं। तो पैरामीटर में हम फैन स्पीड पे चलते हैं। तो हमारा यहाँ फैन स्पीड आ गया है, फैन स्पीड और फाइनल फ्यूलिंग और फैन कंट्रोल टाइप इधर ही है। तो हमारा जो यहाँ पे फैन स्पीड और फैन कंट्रोल कमांड और फैन ड्राइव स्टेटस ऑफ है। तो अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं हमारा फैन स्पीड जो है शो करता है कि नहीं। दोस्तों हमने गाड़ी स्टार्ट किया है तो हमारा फैन ड्राइव फ्यूलिंग कंप्रेसर से चालू हो चुका है और फैन स्पीड जो है 882 RPM से ऊपर है। तो अभी हम बाइक चलते हैं और देखते हैं हमारा फालकोड जो है 23-12 इंची होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 23-12 इंची हो चुका है और जो 45 इंची हो चुका है। तो अभी हम गाड़ी को बंद कर लेते हैं और उसके बाद जो है फालकोड को ब्रेक कर लेते हैं। चेक करना दुकान।